सो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। होप आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे सब लोग। तो आज की जो ये जर्नी है, जर्नी नहीं बोल सकते, एक स्पेशल अपने चैनल पे जो मैं सफारी ला रहा हूँ, तो एक स्पेशल सफारी है आज आप सब लोगों के लिए। तो हम और कहीं नहीं बल्कि आए हैं वाइल्ड गोरेवाड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट जू, मतलब कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क नागपुर में। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अभी हमें मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे, ये देख सकते हो आप पीछे जो है एंट्रेंस है, इधर जो है काटल रोड है, काटल नागपुर रोड है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्लियर आ रही होंगी। अभी जो है मैं सेंटर में हूँ, देखिए अपने जू के अंदर, इंटरनेशनल जू के अंदर। तो इस साइड जो है आपको पड़ेगा टिकट घर, तो टिकट काउंटर। तो अगर आपने ऑनलाइन टिकट की होंगी तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन रिस्क मत लीजिए ऑफलाइन करने की, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ऑफलाइन टिकट मिलेगी। क्योंकि एक बस की सिर्फ चार टिकट जो है, चार जो सीट्स है वही बस अपने ऑफलाइन के लिए अवेलेबल रहती है। तो वो सब जो है वो आपके लक के ऊपर है, तो बेटर रहेगा कि आप पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिएगा। तो अभी रेट की बात करते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे ये 240 रुपये और वीकेंड्स में होता है सैटरडे संडे 320 रुपये, 320 रुपीज़। तो आज जो मुझे फीस पड़ी है वो है 320 रुपीज़। तो इस साइड जो है एंटर करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे टिकट काउंटर, और ये साइड में एक छोटा सा कैफे एरिया बना है, लेकिन वहाँ पे फिलहाल स्नैक्स वगैरह कुछ मिलता नहीं, चाय कॉफ़ी और पानी वगैरह ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है। और बस के अंदर भी आप जो है ये थोड़ा वाटर वगैरह लेके जा सकते हैं। और बात करते हैं सेफ्टी की, कोविड सेफ्टी के बाद, तो मैंने अभी अभी ऑब्जर्व किया है, एक जो बस आई है वो अभी के अभी मतलब आने के बाद उसको सैनिटाइज किया है, आधा घंटा रोक के रखा है, उसको पूरा डिसइनफेक्ट किया है, और उसके बाद ही जो है पैसेंजर्स को चढ़ने दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह लेते हैं, सब कुछ सेफ्टी जो है एकदम उमदा तरीके से मैनेज की जा रही है। तो देखिए सीन, देखिए आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे। तो सफारी को शुरू करते हैं, एक बार हमारी बस आने दीजिए। हमें देखिए ऑफलाइन आने के कारण क्या हुआ है कि हमें सीट जो है मिली नहीं, इसलिए हमको एक दो सफारी रुकना पड़ा। तो अभी डायरेक्ट हमें सीट मिली है 1 बजे की सफारी में। तो सफारी को एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ मैं आपको अंदर के व्यू दिखाऊंगा। वीडियो को छोड़िएगा मत, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि घर बैठे बैठे डिजिटली आपके लिए ये जू की, इंटरनेशनल जू की जो है पूरी सफारी मिलेगी आपको देखने। व्लॉग पे बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सेफ्टी मतलब जो है कितनी ध्यान में दी गई है। अब देखिए ये बस अभी आ चुकी है, ये हमारी बस रहने वाली है 1 बजे वाली। तो देखिए ये बस आने के बाद पहले पूरी तरह से जो है सैनिटाइज कर रहे हैं भैया, पूरी सैनिटाइज करने के बाद ये बस जो है उसको डिसइनफेक्टेड होने के लिए और 15 से 20 मिनट रखा जाएगा, और उसके बाद ही हमको ये बस अलर्ट की जाएंगी। देख रहे आप, ये देखिए पूरी। दोस्तों अगर आपको थोड़े कम रेट में, मतलब कि सिर्फ 100-150 रुपये में अगर सफारी करनी होंगी, तो ये देख रहे आप मेरे पीछे कैंटर लगी हुई है, ये जो है नॉन एसी बस है, कैंटर जिसे बोलते हैं हम। तो इसकी जो रेट से बहुत ही कम है, 130 है, मतलब इसके जो है वो 320 तक जा सकते हैं, 240-320, और इसके जो है सिर्फ 100 रुपये उससे भी रेट है। तो अगर आपको रियली अगर पूरा जंगल का एहसास लेना होगा और कम पैसों में अगर इंजॉय करना होगा, तो ये एक बहुत अच्छा चॉइस है आपके लिए। तो विजिट करेंगे तो थोड़ा सा इससे भी चले जाइएगा। ये है अपना टिकट काउंटर, तो यहाँ पे देखिए टिकट जो है मैंने ले ली है, तो टोटल 320 रुपीस पड़ी है। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मिल जाएगा आपको टिकट। तो देखिए अभी बस जो अपने आ चुके हैं, सब लोग बैठ चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ऐसी बस है, भारत बेंच की तरफ से बस देख रहे हैं आप ये लोग। तो धूप देखिए दोस्तों काफी है, तो कैसे थोड़ी राहत मिलेगी, ऐसी बस है, प्लस अंदर का जो आवाज भी रहेगा वो बाहर जाएगा नहीं, तो वो भी एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो चलिए अभी सफारी को शुरुआत करते हैं, और आप बिल्कुल बने रहिए आखिर तक, वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है।
तो चलिए शुरू करते हैं, अभी अंदर जाते हैं पहले तो। थैंक यू इनको भी, इनको आप अपने सेकंड या थर्ड टाइम देखा होगा शायद चैनल पे, ताड़ो में अभी भी गए थे तब भी आए थे। तो अभी देखिए गेट क्लोज, शुरुआत करते हैं सफारी को, बने रहिए। अभी भी जो है लेपर्ड हमको स्पॉट हुआ है, देखिए वो गेट के पास बैठा है, बस थोड़ा सा आप रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों लेपर्ड जो है हमें स्पॉट हुआ है, तो देखिए अभी वो गेट बंद हो चुका है क्योंकि लेपर्ड थोड़ा बाहर गया था तो वो बंद हो चुका है गेट। हम बीच में आ गए हैं सेफ जोन में, और अभी यहाँ से आगे ये गेट खुल चुका है, तो अभी वी आर रेडी टू गो। पहली बार यार पैसा वसूल, मतलब हमें आज तक मैंने मार लिया एक दो सफारी उसने दिखा दी, लेकिन आज दिखा अभी हम स्लॉथ बियर सफारी चालू कर रहे हैं लेपर्ड का। चार में से भी एक ही लेपर्ड दिखा है, एक ही दिखा, बाकी बड़े एक एज से देखेंगे अभी। वो तो बच्चा था 2 साल का था, थोड़ा बैक अरे दोस्तों, हमको फिर से जो है एक बार नील गाय दिख चुकी है, हमें ताड़ो मावी भी दिखी थी, ये फीमेल है। बच्चे बच्चे कंगारू बोल रहे हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेडिकल टीम आती रहती है, क्योंकि ये जो है एक सफारी नहीं है, वाइल्ड लाइफ नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल जू है। तो यहाँ पे अगर कुछ जानवरों में फाइट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है मेडिकल टीम 24 आवर्स सेवा में रहती है। तो अभी जो है हम टाइगर सफारी शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि अभी दोपहर का समय है, तो टाइगर्स का कैसा रहता है कि ये टाइम पे जो है ना उनका रेस्ट का टाइम रहता है, मतलब वो सोए रहते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेपर्ड तो हमने स्पॉट कर लिया था, चांसेस बहुत कम है कि टाइगर दिखे, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, दिखता है तो वेल एंड गुड।
तो अभी ये आ गए हम जहाँ से हमने एंटर किया था। तो चलिए बस रुक गई है, उतरते हैं अभी, सफारी को एंड करते हैं। एक मिनट जरा, एक सेकंड, मुझे बस नीचे उतरने दीजिए। फाइनली तो उतर गए हम और ये रहे हमारी बस। फाइनली सफारी होती है हमारी यहीं पे एंड, और होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा। ये व्लॉग से बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी जर्नी में, तब तक के लिए टेक केयर, और मास्क जरूरी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। टाटा, बाय बाय।